उदयपुर प्रधान गोलू जी, सेक्टर प्रभारी विनोद यादव जी, विनोद यादव जी नंबर 9, सर्वेक्षक का नाम शशिकांत गोलू, अर्जुन प्रजापति जी, अर्जुन प्रजापति को यहाँ पर आकर लेने की कृपा करें। सेक्टर प्रभारी विनय यादव जी, विनय जी आपसे भी आग्रह जी, आपको पर्ची और किस तरह के कार्यक्रम बताया? हाँ, मेरा नाम दयाराम यादव है, मैं शिवपुर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। ये मेरे संगठन का ये आज मनोनयन पत्र दिया जा रहा है, और सेक्टर प्रभारी का, सह प्रभारी का, पर्यवेक्षक का, और हमारे जो कमेटी के पदाधिकारी हैं उनका मनोनयन पत्र दिया जा रहा है। साथ ही ये हम लोगों का अपना विचार गोष्ठी चल रही है, कैसे हम इस आतताई भाजपा शासन का जड़ से उन्मूलन करें, जो तमाम तरह का हत्या, बलात्कार और तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर के हम समाजवादी पार्टी बड़े चिंतित हैं। किसानों के का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें हम लोगों का पूर्ण समर्थन है। जो किसानों के ज़मीन को हड़पा जा रहा है, कानून बना करके, काला कानून बना करके व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, किसानों को तमाम तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे किसान 0.1 डिग्री टेम्परेचर में जमीन सड़क पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनकी चिंता नहीं हो रही है। आगे हम लोग विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर युवाओं को हम लोग उत्साहित करेंगे कि हम लोगों को बेरोज़गार नहीं मिल रहा है, जो भी रोज़गार मिलने का अवसर था वो भी छीन लिया गया। तो तमाम तरह की जो भाजपा सरकार की कमियां हैं उनको उजागर किया जाएगा, जन जन तक पहुंचाया जाएगा, ये हम लोग आज संकल्प लेंगे और संकल्प को अपने समाज में किसानों के बीच में जाकर समझाने का कार्य करेंगे कि आतताई सरकार से आप लोगों को मुक्ति पाना है तो आगे सपा की सरकार को लाना है। लोग बच्चे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, दोहरी शिक्षा नीति लाई जा रही है, जिससे गरीब किसान के बच्चे अनपढ़ की कैटेगरी में आ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, और बड़े पूंजीपतियों के जो बच्चे हैं वो अच्छे मॉन्टेसरी।